आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर नितिन भंसाली जी जुड़ गए, जेपीसी जो प्रवक्ता है। भंसाली साहब बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, क्या लग रहा है, किसको समर्थन देंगे आप लोग? न समर्थन देने की बात है, न समर्थन देने की बात है। तो सर कितनी सीटों पर सरकार बनाएंगे अगर समर्थन देंगे नहीं और लेंगे नहीं तो? हम पूर्ण रूप से जनता के आशीर्वाद से आश्वासित है कि हमारा महागठबंधन अपने दम पर सरकार बनाएगा। ठीक है, मतलब आपने दावा ठोक दिया कि आप लोग पूर्ण बहुमत के साथ अपने दम पर सरकार बनाए। ठीक है, ठीक है भंसाली जी, मेरा सवाल ये है कि कल के सिंहदेव से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सवाल पूछा गया था, मैं वो सवाल आपसे पूछूं। मैं आपको एक ऑडियो सुनाती हूं, फिर आपसे उस सवाल का जवाब दूंगी। सीएम कभी नहीं बनना चाहूंगा, मैंने अपने जीवन में कभी इस बात पे मैं नहीं चला कि ठीक है समझौते आदमी करता है, लेकिन समझौते करने का ये अर्थ नहीं है कि हर समझौता कर लो। आप सत्ता के लिए कुछ भी आप कर लो और नैतिकता को पूरा किनारे कर दो, मेरी ये मानसिकता कभी नहीं रही, मेरा ये विचार कहीं नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं स्टैंड आदमी को लेना चाहिए। सुना आपने सर, यहाँ पे सीधे सीधे आरोप लगा है जेपीसीजे पे, जोगी जी पे, कि उनके साथ अगर गठबंधन होता है तो वो सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे। वो आदरणीय सीएम सिंहदेव जी का खुद का निजी निर्णय और निजी बात है कि वो सरकार में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये उनका निजी मत है। इस बारे में ठीक आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त टीएस सिंहदेव जी भी फोन लाइन पर जुड़े। सिंहदेव जी बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। सिंहदेव जी आप नमस्कार सर। सर आपका तो उद्देश्य था कि बस सरकार बननी चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है जिसका आरोप आप लोग हमेशा लगाते आए उसको उखाड़ फेंकना और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना है। सरकार बनाना आपकी पहली प्राथमिकता थी, फिर अचानक क्या हो गया? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा मैडम। सर आपने कल एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर जेपीसीजे के साथ अगर गठबंधन होता है तो आप सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे, आप ऐसे सीएम नहीं बनना चाहेंगे। हाँ ये तो निजी एक प्रश्न है और ये सवाल उठेगा कहाँ जब कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। मैम कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है और जो गठबंधन की बात राष्ट्रीय स्तर पे भी चल रही थी, ये समान विचारधारा के दलों के साथ बात चल रही थी। तो जिन दलों के साथ वैचारिक हमारा बुनियादी मतभेद है, बुनियादी अंतर है, उनके साथ काम करना एक अवसरवादिता के अलावा अतिरिक्त तौर पर नहीं दिखेगा। और मैं नहीं समझता कि छत्तीसगढ़ की जनता या देश की जनता अब राजनीति में अवसरवादिता इस हद तक जाती है कि किसी भी कीमत पे आप सत्ता में आ जाए। सत्ता में आने की जवाबदारी भी होती है और आम लोगों के प्रति डिलीवरी करने की बात भी होती है। और जब तक आप ऐसी स्थिति में नहीं रहते हैं, यूपीए 2 के हमारे अनुभव पूरे देश के सामने है कि किस तरह से विभिन्न दलों ने इतना दबाव बना के काम किया कि सरकार के ऊपर ही आरोप लगा कि पॉलिसी पैरालिसिस की स्थितियां बन रही हैं। ऐसी राजनीति देश में नहीं होनी चाहिए, मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ। जी बिल्कुल, क्योंकि सीधे आपने सीधे आरोप भी सरकार चलाई, आपने सीधे आरोप भी लगाए हैं कि जोगी जी की मिली भगत सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रही है। फिर आपने कई एग्जाम्पल भी सेट किए हैं कि अंतागढ़ टेपकांड का मामला, फिर अन्य दूसरे भी। जी मैंने ये बातों को हमेशा सामने रखा है, कोई नई चीज नहीं मैंने बोली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से जोगी जी के संदर्भ में पूरा प्रोटेक्शन उनको मिलता रहा। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया था कि जाति के मामले में माधुरी पाटिल के दृष्टांत को कोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी संदर्भित संस्था है या संगठन है या सरकार का विभाग है वो जांच करके ये बताए 90 दिन के अंदर कि उनकी जाति का मामला क्या है, 90 या 180 दिन, 3 या 6 महीने का। तो यहाँ तो 150 महीने हो गए। भंसाली जी भी जुड़े हुए, उनसे भी मैं सवाल का जवाब ले लेती हूँ। भंसाली जी जवाब दीजिए। देखिए ये अगर आदरणीय पीएस सिंहदेव जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन राजनीति के विषय में मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि अवसरवादिता वाली यदि बात थी तो कांग्रेस ने कर्नाटक में क्या किया, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। किसी भी तरीके से सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने वहां पर कर्नाटक में जेडीएस से समझौता किया, लेकिन जिस प्रकार आदरणीय सीएस सिंहदेव जी अपने बहुमत का दावा कर रहे हैं कांग्रेस के, उसी प्रकार मैं भी जेसीसीजे और महागठबंधन भंसाली जी गोवा का जिक्र नहीं कर रहे हैं आप।
जी मैं करूंगा जिक्र अवसरवादिता वाली यदि बात करेंगे तो उससे तो वो भी आता है कि बीजेपी ने भी ठीक है गोवा में सिंहदेव जी अवसरवादिता का आरोप लगा रहे हैं भंसाली जी यहाँ पे, लेकिन गोवा का जिक्र करना भूल गए। नहीं वो एक अलग चीज है, मैंने एक चीज साथ में कही थी कि समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ, तो कर्नाटक में अगर समान विचारधारा की स्थिति दिखी होगी तब उनके साथ कांग्रेस ने गठबंधन पोस्ट पोल गठबंधन या सरकार बनाने पे सहमति बनाई। जहां सामान्य विचारधारा नहीं है उसे अवसरवादिता की स्थिति की श्रेणी में लाते हुए मैंने क्वालिफाई करके कहा था कि सरकार बनाना एक अलग बात होती है, लेकिन उन लोगों के साथ बनाना जिनके साथ आप चल सकते हो तो आप पोस्ट पोल अलायंस भी कर सकते हो, प्री पोल अलायंस भी होते हैं, पोस्ट पोल अलायंस भी होते हैं। तो सिंहदेव जी क्या ये मान लिया जाए कि अगर जरूरत पड़ने पर गठबंधन होता है अलायंस होता है तो क्या आप सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे? जी मैंने यही कहा, योगी जी के साथ काम करना मेरे लिए राजनीतिक जीवन में संभव नहीं है। जिन मुद्दों को हम लोगों ने उठाया है उन मुद्दों को उठा के मैं अपने क्षेत्र के मतदाताओं के सामने आंख मिला के खड़ा नहीं हो सकता, मैं छत्तीसगढ़ के नागरिकों के सामने आंख मिला के खड़ा नहीं हो सकता। और ये मेरे व्यक्तिगत कारण है कि क्योंकि मैं अपने आप को ऐसी स्थिति में नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने इस बात को कहा कि इन परिस्थितियों में पार्टी अपना निर्णय निश्चित रूप से लेगी लेकिन मैं उसका हिस्सा नहीं रह पाऊंगा। ठीक है भंसाली जी, बहुत संक्षेप में मैं आपसे आंसर चाहूंगी और अंतिम मेरा ये सवाल आपसे ही है कि क्या कोई ऐसी संभावना देखें अलायंस की? नहीं अलायंस की कोई संभावना नहीं है, हम बिल्कुल आश्वासित हैं, जनता का पूरा प्यार और स्नेह जेसीसी जे और महागठबंधन के साथ है और हम स्पष्ट बहुत प्रदेश में सरकार बनाएंगे। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा कि कर्नाटक में जब विचारधारा की जब बात हो रही थी, जब चुनाव से पहले के कई ऐसे दृष्टांत मुझे याद है, एक खुले तौर पर इससे भी भयानक भयानक बातें कांग्रेस द्वारा कही गई थी, लेकिन बाद में ठीक है भंसाली जी, मेरा सवाल आपसे सीधा है, उम्मीद भंसाली जी मेरा सवाल बेहद साफ है और बेहद सीधा है, उम्मीद चाहूंगी, उम्मीद भी यही करती हूँ कि सीधा जवाब देंगे। आपने यहाँ पे कांग्रेस के साथ अलायंस को लेकर सिरे से नकार दिया, तो क्या भारतीय जरूरत पड़ने पे भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करेंगे क्या? नहीं उठता अलायंस करने का भारतीय, क्योंकि बी टीम कहा जाता है आपको, जेपीजे को बी टीम कहा जाता है, बी टीम कहा जाता है, तो क्या मतलब हम मान ले कि अगर जरूरत पड़ी भारतीय जनता पार्टी को अलायंस की तो जेपीजे भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देगी? आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि हमारे महागठबंधन का सबसे बुरा असर भारतीय जनता पार्टी पर पड़ रहा है और सीधी लड़ाई हमारी बीजेपी के साथ है इस प्रदेश में और 11 तारीख, लेकिन आपको तो बी टीम कहा जाता है सर, बी कहे या सी कहे उससे मतलब नहीं है, हम तो ए हैं, पहली शक्ति है, हम बी और सी से मतलब नहीं रखते, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। अच्छा आपको जरूरत पड़ गई, आपकी सीटें कम आ गई भंसाली जी, जेसीसीजे की सीटें कम आ गई, तो आप किससे समर्थन लेंगे बहुत संक्षेप में? सीटें कम आएंगी, मैं अपनी बात पे कायम हूँ, हम स्पष्ट बहुमत से सरकार। चलिए ठीक है, 11 दिसंबर को हम भी देखेंगे कि ये जो स्पष्ट बहुमत का जो दावा ठोका जा रहा है उसमें किसको किसकी जरूरत पड़ती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सिंहदेव जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, भंसाली जी आपका भी बहुत शुक्रिया।